हाई गाइज, वेलकम टू माई चैनल। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी वाला था, तो जैसे ही मैं एकदम ऑफिस से आई, फिर हमने इफ्तार वगैरह बनाई और मैं शूट नहीं कर पाई इफ्तार की। आज हम लोग ने खाए वही फ्राइज और चिकन नगेट्स और थी जो सब क्या होती है फ्रूट चाट। और जी आज हमने पास्ता भी खाया, पास्ता सैंडविच भी खाई। इवन मैंने उसकी वीडियो भी शूट की है, कल को अपलोड करूँगी। और आप लोग बताओ, आपके ये लास्ट डेज रमज़ान के कैसे जा रहे हैं? हमारे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बताओ आपके कैसे जा रहे हैं? और अभी पता क्या हुआ, आफ्टर ईटिंग इतना सारा खाना, उसके बाद मीठे की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मैंने अपने हस्बैंड से बोला चलो कुछ अच्छी जगह ना ये मीठा वगैरह खाने चलते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने सर्च किया, अब हम जा रहे हैं शारजा जा रहे हैं हम लोग। और मेरे को इतनी क्रेविंग हो रही है। आप लोग बताओ, आपको भी होती है ऐसे? जैसे कभी कभी मुझे ना हॉस्टल में बहुत हुआ करती थी, हॉस्टल में एकदम ही मस्त बंद करा कि आइसक्रीम, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था 8 बजे के बाद ना हम लोग कहीं जा नहीं सकते थे हॉस्टल में, तो हमें जो भी ऑर्डर करना है 9 बजे तक कर लेना है, उसके बाद नहीं करना। उसके बाद हम लोगों को आइसक्रीम की क्रेविंग होती थी रात के 11, 12 बजे करीब। तो हम लोग पता नहीं कैसे करके मंगवा ही लेते थे। खैर गार्ड अंकल से जिद करके, प्लीज़ प्लीज़ अंकल, बस आखिरी बार है, प्लीज़ भेज दो ऑर्डर। तो यही करके हम लोग मंगवा लेते थे। लेकिन तो वो मुझे आज ना वो वाला टाइम याद आ गया, अपने कॉलेज और स्कूल की लाइफ बेस्ट होती है। और कॉलेज में होते थे तो हम सोचते आज जल्दी से हमारी जॉब लग जाए, हम सेटल हो जाएँ, ये वो, कुछ नहीं होता। कॉलेज इज़ द बेस्ट, कॉलेज की लाइफ ही अच्छी होती है, उसके बाद आपकी बस टेंशन में रहती है यार कल को ऑफिस जाना है, शाम में आना है, यही रहता है। वरना कॉलेज और स्कूल की लाइफ बेस्ट होती है। अगर आप लोग स्कूल में हैं तो आप लोग इंजॉय करें अपना हर फेज अपने आप में एक इम्पोर्टेंट वो तो चीज़ है, लेकिन कॉलेज में इंसान फ्री होता है, उसको टेंशन नहीं होती, उसको ये नहीं होता कि अब मतलब अर्निंग वगैरह की भी टेंशन नहीं होती, उसको ये नहीं होना है, होता सब कुछ मतलब घर से मिलता है उसे, जो भी आपके खर्चे वगैरह होते हैं वो घर से ही आपकी पॉकेट मनी आती है। यहाँ पे आपको हर चीज़ का बिल खुद पे करना है, खाने का बिल खुद पे करना है, बिजली का बिल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। लेकिन तो उस हिसाब से फिर आप अन भी तो करते हो ना जब ये चीज़, तो वो वाला तो तब भी वो वाला मजा जो होता है ना, जो मतलब जो मजा घर वाले पैसे से नहीं कर सकते, प्रोफेशनल लाइफ को, बस जो मजा आपके घर वाले पैसों से आता है ना वो आपको कहीं नहीं आता। पर हाँ, ये वाले एक्सपीरियंस भी अच्छे हैं। ये नहीं कि लाइफ में हर एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैं ये कहूँगी अगर आप अभी अपने कॉलेज में हो ना तो मैं आपसे बोलूँगी आप खूब अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि वो वाले पल्स कभी वापस नहीं आएंगे। कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो, वो बेस्ट टाइम है। तो कभी ये मत सोचना कि मैं बड़े होके ये करूँगा, है आपके पास अभी टाइम, एंजॉय करो उसे अच्छे से। कभी ये बोलो यार जल्दी से जॉब लग जाए, कुछ नहीं है, टेंशन बाजी है। सुबह को उठो भागो जल्दी से कॉलेज में यार। बट हाँ, ये है कि वीकेंड में आप थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं, आप जा सकते हैं। तब भी वीकेंड में रिलैक्स रहते हैं, कभी आपको एक छुट्टी मिलती है हमारी तरह। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको 2 ऑफ मिल रहे हैं, तो इसलिए बोल रही हूँ कॉलेज का टाइम बहुत अच्छा है, एंजॉय करो। वैसे भी कॉलेज में 2 ऑफ मिलते थे, हम लोग को 2 ऑफ मिलते थे। मैं हूँ जामिया हमदर्द की, मैंने वहाँ से अपना मास्टर्स भी किया है, वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन भी की है, तो वहाँ में 2 ऑफ मिलते थे और इतना मज़ा आता था भाई। तब भी हम लोग वहाँ पे रोते गाते रहते थे, यार इतनी टेंशन है। अब पता चलता है कोई टेंशन नहीं थी। तो हम लोग पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पर, ये रहा, चलो अंदर जाके दिखाते हैं। तो ना अब 2-3 दिन बाद ईद आने वाली है, ईद आने वाली होती है और मेरे ये सब स्टार्ट जाता है। देखो ये पिंपल, मेरा एक यहाँ पे, एक यहाँ है और एक इस साइड है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, जब भी ईद आने वाली हो या फिर कोई घर में शादी हो, ये सब चीज़ तो ऐसे उस टाइम निकल कर आएंगी कि हम हैं, हम जिंदा हैं। आप बताओ आप लोग के साथ होता है ऐसा? मेरे साथ बहुत होता है। और ये आगे हमारे वॉफल्स और शेक, और ये भी कुछ था, इसका नाम भूल गया, हमने ना कोल्ड कॉफ़ी भी ऑर्डर की थी। तो कल मैंने पूरा व्लॉग कंप्लीट नहीं किया था, हम लोग ने पहले तो हम लोग ने वॉफल्स वगैरह खाए, उसके बाद हम लोग अपनी काका के घर चले गए थे, उनका घर पास में ही था, और वहाँ से हम लोग बहुत लेट आए, वहाँ बातें बातें करने लगे यही सब, तो फिर व्लॉग की एंडिंग नहीं हुई। आकर फिर घर पर सैरी वगैरह किया और फिर सो गए, और अब फिर मैं उठी हूँ 12 बजे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना ईद हॉलीडेज स्टार्ट हो चुकी हैं। आज क्या डे है? सैटरडे, ठीक है, सैटरडे से यहाँ पे ना हॉलीडेज स्टार्ट हो चुकी हैं, टिल वेडनेसडे यहाँ पे छुट्टियाँ हैं। तो
इसलिए मैं तो बहुत आराम से सोई, सारी नींदें कंप्लीट करी अपनी 12 बजे तक, और फिर मैं उठा, मैंने कहा यार मैंने व्लॉग भी एडिट नहीं किया था, उसकी एंडिंग करी। तो मैंने सोचा इस व्लॉग को ना आज के व्लॉग के साथ ही कंबाइन कर देते हैं। आज है यहाँ पे 28 रोजा, तो उसी के साथ कंबाइन कर देते हैं। अभी देखो कल को चांसेस हो भी सकते हैं ईद के या फिर नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। और ये लास्ट के 2-3 रोजे बचे हैं आज का, क्या पता आज भी लास्ट हो सकता है, क्या पता कल लास्ट हो, आई डोंट नो। और हम लोग का आज का प्लान है, आज हम लोग ना चटपटी सी मैगी बनाएंगे। और मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आ रही है मैगी की, अदीबा मैगी कब बनाओगी, मैगी कब बनाओगी। फाइनली मैं कितने महीने बाद बना रही हूँ मैगी, 2 महीने बाद मैं मैगी बना रही हूँ। और मैं इतने सारे मसाला लेकर आई हुई हूँ मैगी की, मैगी बनाऊंगी मैगी बनाऊंगी, लेकिन अब टाइम मिला है फाइनली। हमने ग्रॉसरी से ये मंगवाया था मसाला मैगी, और वो हमें दे गया करी मैगी। तो फिर मैं वापस करने उसके पास गई, हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जब उसके पास गए उसके पास मसाला मैगी थी ही नहीं, तो फिर बाद में हमने करी मैगी बनाई। इफ्तार में हम लोग ने नॉर्मल जो नॉर्मल इफ्तार करी थी, उसके बाद हमें ना चटपटी मैगी खाने का इतना मन था। और हमने ना आलू भी डाले थे मैगी में, कॉमेंट्स आएंगे आलू कौन डालता है मैगी में। आई होप आपको आज का हमारे वाला व्लॉग पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कमेंट तो भाई कंपलसरी है मेरे यहाँ पे करना, बिना कमेंट के मत जाया करो, ठीक है। और जी कैसे हो गए बाल मेरे, खैर। और हाँ, यहाँ पे ना कल ईद नहीं है, तो अब ईद होगी परसों, मतलब मंडे होगी ईद यहाँ पर, और इंडिया में आई थिंक ट्यूसडे होगी। चलो जी, अब मैं इस वाले वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कॉमेंट ये करना मत भूलना, ठीक है। चलो जी, ओके बाय।